आयोटा क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। देखो 11 क्या बोल रहा है, बहुत ही इजी है ये, घबराना नहीं है, और भी इजी है। इसमें क्या करेंगे कि हम लोगों ने मान लिया कि लेट द पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या है ये, तो अब मुझे जीरोज निकालने हैं, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मुझे जीरो लेके चलना पड़ेगा, इज इक्वल टू इन दोनों में कॉमन ले लो डायरेक्ट आप, और कुछ नहीं है, बस कॉमन लो काम हो जाएगा, यानी कि 5x हमारा कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x प्लस यहाँ बचेगा 5 to the 10, तो ये हो गया हमारा। तो अब जो है या तो आपका क्या होगा कि 5x इज इक्वल टू जीरो होगा, बात समझ में आ रही है, या तो 5x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और या नहीं तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये तो बहुत ही ईजी था, दो लाइन में बनने वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये 5 इधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया जीरो, और दूसरा जो है हमारा यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा माइनस 2। चलिए, तो यानी कि क्लियर हो गया हमारा कि अल्फ़ा, डियर स्टूडेंट्स, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया 0, एंड बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स कि माइनस 2। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप निकाल के दिखाने हैं, तो चलिए मैं यहीं पर निकाल के दिखा देता हूँ। पहला रिलेशनशिप हमें दिखाना है कि सम ऑफ द जीरोज, ना जीरोज क्या होता है हमारा, तो ये होता है कि कॉन्स्टेंट, नहीं सॉरी, कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन क्या होता है कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए, यानी कि सम ऑफ द जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, है ना, तो अल्फा का वैल्यू हमारा आया है 0 और प्लस माइनस 2, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू, तो अब अगर ऐसे लिख सकते हो कि 0 प्लस माइनस 2, ठीक है, ये हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा, इज इक्वल टू कोफिशेंट ऑफ एक्स को ही बोलते हैं माइनस बी अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ए कहते हैं, तो ये आ गया हमारा माइनस 2 अपॉन 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो देखते हैं कि क्या ये इतना है, चलिए आइए देखते हैं। तो मैं आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो 11 था, तो बी यानी कि कोफिशेंट ऑफ एक्स, कोफिशेंट ऑफ एक्स इतना है 10 है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और हमारा जो है आ रहा है माइनस 2, तो 10 तो आ नहीं रहा है, सर 10 नहीं आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है, अरे घबराओ मत, बहुत ही सिंपल है, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो ऊपर नीचे 5 से मैं मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे माइनस 10, मुझे 10 लाना है, तो मैं लिख सकता हूँ, चलो ठीक है लिख देता हूँ, तो 5 to the 10, तो ये आ गया माइनस 10 अपॉन, ये हो गया 5 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या सही है, तो आइए, कॉन्स्टेंट ऑफ यानी कि बी हो गया हमारा कोफिशेंट ऑफ एक्स, कोफिशेंट ऑफ एक्स 10 है हमारा, तो 10 डालेंगे यहाँ पर तो माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस 10 यहाँ भी आ रहा है, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और ए हमारा कितना है, ए हमारा 5 है, तो यहाँ भी ए हमारा 5 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही आया है। तो ये हो गया आपका पहला रिलेशनशिप, आइए अब हम लोग जब दूसरा रिलेशनशिप देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग दूसरा रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो दूसरा हमारा क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, वो आना चाहिए हमारा कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या ये इतना आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो अल्फा का वैल्यू जो है हमारा वो 0 आया है, बीटा का वैल्यू हमारा 2 आया है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि 0 इंटू कितना आया है माइनस 2, तो माइनस 2 ये डाल दिया मैंने। कॉन्स्टेंट टर्म को ही सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब जो है इसको देखते हैं कि क्या ये इतना हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो चलिए यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा 0, तो 0 ओके 0 बाय इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो क्या हमारा ये इतना आ रहा है। तो देखो तो कॉन्स्टेंट टर्म कितना है, तो कॉन्स्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं, यहाँ पर जो प्लस कॉन्स्टेंट टर्म होता है वो तो 0 है, तो बिल्कुल 0 आ रहा है ना। और ए का वैल्यू कितना है हमारा, ए है हमारा 5, तो सर यहाँ तो ए 5 है और आपका ए आ ही नहीं रहा है, अरे मेरे भाई अब चाहो तो यहाँ पर 5 लिख सकते हो, कोई हर्ज नहीं है,
क्योंकि जीरो बटा एनीथिंग जीरो ही होता है हमारा, तो आप फाइव लिखो, टेन लिखो, जो मर्जी है वो लिखो, ठीक है ना। तो मैंने फाइव लिख दिया तो ए का वैल्यू हमारा फाइव आ गया। तो इसी तरह से जो है आपको क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना था डियर स्टूडेंट, जो कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इससे पहले के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ मिल जाएगा। तो फिर ये स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।